यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने बदरपुर टोल प्लाजा पर लोगों को जाम से निजात दिलवाई। विपुल गोयल ने बदरपुर टोल प्लाजा पर उतरकर जाम खुलवाया और जाम हालांकि पहले उन्होंने जाम को देखा और इस स्थिति को देखने के बाद मंत्री जी टोल कर्मियों पर बिफर पड़े। उन्होंने टोल प्लाजा पर खड़े होकर सारी लाइनें खुलवाई। टोल कर्मियों को निर्देश भी दिए गए कि वो तय जो मापदंड हैं उनकी पालना करें। 100 मीटर से ज्यादा लंबी लाइन होने पर टोल बैरियर को फ्री कर दिया जाए। इसके लिए उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं कि टोल बैरियर पर जल्दी से जल्दी जो मापदंड हैं उनके बोर्ड लगा दिए जाएं। तो उद्योग मंत्री विपुल गोयल हालांकि वो कई बार इस तरह के अंदाज में नजर आते हैं और एक बार फिर से उसी पुराने अंदाज में नजर आए हैं। टोल प्लाजा पर लंबी कतारों को देखकर उन्होंने जो टोल कर्मी थे उनको फटकार भी लगाई है। साथ ही पूरी जानकारी के अमूमन जिस तरह के बोर्ड आप देख सकते हैं टोल को लेकर लगे मिलते हैं वो बोर्ड यहां भी लगाए जाएं, ये बात उनकी ओर से कही गई। साथ ही लंबी कतारें अगर हो जाती हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है कि अगर आपको टोल प्लाजा पर 3 मिनट से ज्यादा का समय लगता है तो आपको टोल नहीं देना होगा, निःशुल्क आप अपनी गाड़ी को निकाल सकते हैं। तो यही बात उनकी ओर से भी कही गई कि 100 मीटर से लंबी अगर लाइन होगी तो बैरियर हटा दिया जाए और निःशुल्क गाड़ियों को निकलने दिया जाए, सारी जानकारियों के बोर्ड्स लगा दिए जाएं। साथ ही जितनी भी जानकारियां हैं आम जनता को वो पूरी जानकारियां भी होनी चाहिए। तो टोल कर्मियों पर बिफरे उद्योग मंत्री विपुल गोयल। तो तस्वीरें आपको दिखा रखी हैं, टोल प्लाजा की ये तस्वीरें हैं जहां उद्योग मंत्री विपुल गोयल ने जाम खुलवाया, लंबी कतारें जो टोल पर लगी थी वो खत्म करवाई गई।